फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हेमलता और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, मैं आपको आज अपडेट करना चाहती हूँ कि COVID-19 के जो केसेस हैं उसमें होम्योपैथी का क्या सक्सेस रेट है। तो भोपाल के मेडिकल कॉलेज में भी जो पेशेंट्स को होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई उनका रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा रहा। इसके साथ ही जयपुर में भी SMS कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एलोपैथी दवाइयों के साथ साथ होम्योपैथिक मेडिसिन दी गई और उसमें जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, जिसमें कि 3 से 5 दिन में ही पेशेंट्स की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो होम्योपैथिक में हमने आर्सेनिक एल्बम जो 30 बताई है इम्यूनिटी बूस्टर, वो आपने सिर्फ एज एन इम्यूनिटी बूस्टर ही लेनी है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेस, बहुत ज़्यादा लोग, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मेरे जो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि जो आर्सेनिक एल्बम 30 है वो सिर्फ 3 दिन लेने से कैसे इफेक्ट कर सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन है, चाहे वो आप BP की लेते हो या आप इवन पैरासिटामोल के एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज हम पैरासिटामोल लेते हैं तो उसका एक्शन जो है वो 6 to 8 hours तक रहता है, उसके बाद आपको दोबारा रिपीट करनी पड़ती है। लेकिन होम्योपैथिक जो मेडिसिन होती हैं, स्पेशली जब हम उसको एज एन इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी देर तक रहता है। जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं उनका भी अपना एक्शन का टाइम होता है, मतलब उनका डोज ऑफ एक्शन होता है कि कितने दिन का। तो किसी मेडिसिन का 7 दिन का होता है, किसी मेडिसिन का 14 days का होता है। तो जो आर्सेनिक एल्बम है उसका जो ड्यूरेशन है एक्शन की वो 60 to 90 days की है। तो मतलब ये कि उसका इफेक्ट जो है मेडिसिन का वो कम से कम इवन आफ्टर लीविंग द मेडिसिन, अगर आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा हो और आप उस मेडिसिन को छोड़ देते हैं तो भी उसका जो मेडिसिन का एक्शन है, उसका जो इफेक्ट है वो आपकी बॉडी में रहता है। तो आपने ये नहीं सोचना है कि हमने 3 दिन ले ली तो ये कैसे हमारी बॉडी पे इफेक्ट करेगी। तो फ्रेंड्स, ये आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से स्ट्रांग रखेगी। अब दूसरी बात है कि इसको हमने फिर कब रिपीट करना है। अगर आपके एरिया में काफ़ी सारे केसेस पॉजिटिव हैं तो आप इसको 1 month के बाद रिपीट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 45 days के बाद भी रिपीट कर सकते हैं। आपने सेम उसी तरह से लेनी है, 3 doses लेनी है एम्प्टी स्टमक 3 days के लिए। तीसरी बात है कि अगर आप आर्सेनिक 30 को क्या हम COVID-19 के ट्रीटमेंट में भी दे सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी अगर पेशेंट एक बार इन्फेक्ट हो जाता है और उसका जो कोविड टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, तो अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल कॉलेजेस में जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसमें हाँ आर्सेनिक एल्बम के जो सिम्टम है वो भी पेशेंट में थे, तो उसको आर्सेनिक एल्बम भी दी गई। इसके अलावा ब्राइनिया मेडिसिन के सिम्टम भी थे पेशेंट में, तो ब्राइनिया मेडिसिन ने भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा और जो मेडिसिन दी गई उसमें इग्नेशिया, जस्टेशिया और कालिका, इग्नेशिया, इपिकैक, इन सब मेडिसिन ने भी अच्छे रिजल्ट दिखाए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जब पेशेंट COVID-19 से इन्फेक्टेड हो जाता है, वो पॉजिटिव होता है, तो जब उस पेशेंट के इंडिविजुअल सिम्टम्स जो होंगे उस बेसिस पे मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट की जाती है। तो मैं आपको सिंपल जैसे आर्सेनिक एल्बम के सिम्टम्स बताती हूँ कि आर्सेनिक एल्बम में आखिर कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिस बेसिस पे हम आर्सेनिक दे सकते हैं। क्योंकि अगर 100 पेशेंट हैं COVID-19 के, तो उसमें कम से कम 60 पेशेंट में आर्सेनिक के सिम्टम पाए जा रहे हैं, जिसमें कि सबसे पहला सिम्टम वही ब्रेथलेसनेस का है। दूसरा है कि जिन पेशेंट में बहुत ज़्यादा फियर ऑफ डेथ है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा रहा है और उसको बार बार प्यास लग रही है, वो बार बार उसका दिल कर रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता रहे, तो उन केसेस में आर्सेनिक एल्बम 30 जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट कर रही है। तो आप सिर्फ उन केसेस में आर्सेनिक ले सकते हैं अगर आप घर में हैं और आप किसी आपके आसपास कोई होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है जिनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो आर्सेनिक की अगर सिम्टम आप में हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, आपको अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अगर आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं और अगर आपको फीवर है या हेडेक है या नौजिया वॉमिटिंग है, यदि आपको लॉस ऑफ स्मेल है और आपको कुछ भी चीज़ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा है, तो आप आर्सेनिक ले सकते हैं इन सब सिम्टम्स के बेसिस पे ही। अगली बात है कि अगर हम आर्सेनिक ले रहे हैं तो हमें पेशेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका परहेज करना है। तो सबसे पहला जो परहेज है वो है आपको कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं, आपको कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं, तीसरा आपको सॉस वाली जो आइटम्स हैं वो नहीं खानी है जिसमें बहुत ज़्यादा सॉस है,
आपको कोई भी जैसे केक्स पेस्ट्रीज आप इनको इन सब चीजों का भी और सिट्रस फ्रूट्स जो हैं उनका भी आपको परहेज रखना पड़ेगा थोड़े दिनों के लिए, जब तक कि आपका जो है वो सिम्टम्स जो हैं वो सबसाइड नहीं कर जाते या जब तक आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव नहीं आ जाती। तो होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, जो भी आपके आर्सेनिक और अन्य जो भी मेडिसिन हैं उनके बारे में कोई क्वेश्चन है तो। अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।